हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमारा 10th क्लास का जो फर्स्ट वन चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम उसके जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वन प्रॉब्लम है उसमें गिवन डाटा है हमारे पास कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो है 2 सेकेंड्स। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अर्थ पर जो वैल्यू है वो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड पर, और मून पर गिवन है 6 पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। तो इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मून पे जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है कि जो जिसका टाइम पीरियड जिस पेंडुलम का 2 सेकेंड है उस टाइम पीरियड वाले पेंडुलम की जो लेंथ अर्थ पे होगी वो कितना होगी और मून पे जो वो कितना होगी। अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2πL/g। अब हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ मालूम कर लिया तो उसी के कोरेस्पॉन्डिंग हमने ई लगा दिया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम अर्थ पे लेंगे। अब हमने जो है ना लेंथ ऑफ पेंडुलम कैलकुलेट करनी है तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड में स्क्वायर लेंगे तो यहां से बन जाएगा ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हो गया एल ओवर जी। हमें चाहिए एल की वैल्यू, तो यहां से फार्मूला बन जाएगा एल ई इज इक्वल टू जी ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें, एल ई इज इक्वल टू बन जाएगा जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू ये 2 उसका हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 पाई की वैल्यू 3.14 जो उसका हो गया स्क्वायर। इसको जब आप हल करेंगे, हल करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.014 मीटर। यानी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 हो वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हो तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितना होगी, वो 1.014 मीटर होगी। इसी तरह हम मून पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर एल एम डिवाइडेड बाई ये जी एम। हमें एल एम की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास जी एम इन टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 साथ में पाई स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, यहाँ से जी की वैल्यू 1.67 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ से आ गया हमारे पास 3.14 इसका होल का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर बनेगा 0.17 मीटर। यानी जब एक पेंडुलम सरफेस ऑफ मून के ऊपर हो और उसका अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो तो उसकी जो लेंथ है वो 0.17 मीटर होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास प्रॉब्लम है, उसमें हमें लेंथ दी गई है पेंडुलम की जो कि 0.99 मीटर और टाइम पीरियड भी दिया गया है 4.9 सेकेंड। उन्होंने कहा अगर ये पेंडुलम सरफेस ऑफ मून के ऊपर है तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास फार्मूला गिवन है T=2πL/g। तो हमने जो है ना जी एम की वैल्यू कैलकुलेट करने तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम हल करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर एल ओवर ये जी एम। हमें जी एम की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से वैल्यू उसको कैलकुलेट करें, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन ये हो गया डी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, ये जी एम इज इक्वल टू ये 4 पाई की वैल्यू 3.14 उसका स्क्वायर, जी की वैल्यू एल की वैल्यू हमारे पास है 0.99 मीटर और टी की वैल्यू हमारे पास 4.9 और साथ में उसका स्क्वायर। जब आप इनको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जी एम की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो वैल्यू होगी जो एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड और लेंथ 0.99 मीटर हो तो सरफेस ऑफ मून के ऊपर वहां पे जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1.67 मीटर होगी। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है 10.3। तो उसमें हमें गिवन डाटा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है
और अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड के ऐसे पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, सरफेस ऑफ मून के ऊपर उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर उसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं अर्थ के ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला मिलेगा टी इज इक्वल टू 2πLg की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लेंगे हम। तो यहाँ से ये टी इज इक्वल टू बन जाएगा ये 2π की वैल्यू 3.14, यहाँ से एल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 ये स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये टी इज इक्वल टू बन गया 6.28। अच्छा, इसका जब हम लेंगे ये स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 0.1 के इक्वल। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से बन जाएगा टी इज इक्वल टू 1.99 मीटर सेकेंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड के इक्वल है। उसके बाद अगर हम मून के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनेगा टी इज इक्वल टू 2πLg की वैल्यू अब मून के ऊपर होगी। तो यहाँ से आ गया टी इज इक्वल टू 2π की वैल्यू 3.14, ये स्क्वायर रूट एल की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 1.67। जब आप इसको हल करेंगे यहाँ से ये टी इज इक्वल टू बन जाएगा ये 6.28, इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7738। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4.9 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून और ये वाला टाइम पीरियड होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है, हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि अपना एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है 2 सेकेंड में, तो हमें कैलकुलेट करना है उसकी लेंथ क्या होगी। अच्छा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं 2 सेकेंड में, इट मींस उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, तो वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो टी इज इक्वल टू 2πLg। अब हमने कैलकुलेट करनी है उस पेंडुलम की लेंथ, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4π स्क्वायर एल अपॉन जी। हमने एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4, इधर से आ गया पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू हमने मालूम, टी की वैल्यू हमारे पास 2, ये उसका हो गया स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास 4 और पाई की वैल्यू 3.14 उसका हो गया स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे लेंथ आ जाएगी हमारे पास 1.014 मीटर। तो हमारे पास ऐसा पेंडुलम जो अपनी वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो सरफेस ऑफ मून अर्थ के ऊपर उसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, अब इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, तो अब इस पेंडुलम की ये वाली जो लेंथ होगी ना ये अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर के इक्वल होगी।